चलिए अब CV2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम ड्रग और उसके टारगेट के बीच जो इंटरेक्शन होती है उसकी स्टडी करेंगे। किसी भी ड्रग का हमारी बॉडी पर क्या एक्शन होता है, यह है ड्रग मॉलिक्यूल और टारगेट बायोमॉलिक्यूल के बीच की इंटरेक्शन पर डिपेंड करता है। और ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ड्रग जिन बायोमॉलिक्यूल्स को हमारी बॉडी में टारगेट करता है वो होते हैं प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स। तो आगे हम ड्रग के दो पर्टिकुलर टारगेट्स के बीच की इंटरेक्शन की स्टडी करेंगे। पहला टारगेट है एंजाइम और दूसरा टारगेट है रिसेप्टर्स, मतलब कि ड्रग एंजाइम और रिसेप्टर्स जो कि दोनों ही प्रोटीन के टाइप होते हैं, इन दोनों के साथ किस तरह से इंटरेक्शन करता है और उस इंटरेक्शन का एक्शन क्या निकल के आता है, इनकी स्टडी करने वाले हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि कोई भी ड्रग एंजाइम्स के साथ किस तरह की इंटरेक्शन करता है। इससे पहले हम सबसे पहले एंजाइम के फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि एंजाइम हमारी बॉडी में किस तरह से फंक्शन करता है। और हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि एंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह हमारी बॉडी में एक्ट करता है और यह है सबस्ट्रेट को अपनी एक्टिव साइट्स के साथ बाइंड करता है और केमिकल रिएक्शन कराता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, आपको एक एंजाइम की स्ट्रक्चर दिखाई गई है और इसमें प्रेजेंट एक्टिव साइट को शो किया गया है। अब जब भी कोई सबस्ट्रेट इस एंजाइम के पास आता है तो यह एंजाइम इस सबस्ट्रेट को अपनी एक्टिव साइट्स द्वारा बाइंड कर लेता है और केमिकल रिएक्शन होने देता है। सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ जिन बॉन्ड्स के द्वारा बाइंड हो सकता है वे बॉन्ड्स हैं आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वांडरवाल फोर्सेस या फिर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। मतलब इन चारों तरह के बॉन्ड से हमारा जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम की एक्टिव साइट्स के साथ बाइंड हो सकता है। इसके साथ साथ एक्टिव साइट्स ही सबस्ट्रेट पर अटैक करने के लिए फंक्शनल ग्रुप्स प्रोवाइड करती हैं और इस तरह से एक्टिव साइट्स पर रिएक्शन हो जाती है और सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद एंजाइम्स इन प्रोडक्ट्स को रिलीज कर देता है। अब तक हमने हमारी बॉडी में एंजाइम्स की फंक्शनिंग तो देख ली है, अब हम देखते हैं कि जब भी हम कोई ड्रग लेते हैं तो वह ड्रग एंजाइम के साथ किस तरह से इंटरेक्शन करता है। ड्रग्स एंजाइम्स के जो एक्शन होता है या एंजाइम्स की जो फंक्शनिंग होती है उसको इनहिबिट कर देते हैं और ड्रग्स एंजाइम्स की एक्टिविटीज को इनहिबिट करने के लिए उनकी बाइंडिंग साइट्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि सबस्ट्रेट एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स के साथ बाइंड नहीं हो पाता है। अब हम उन तरीकों को देखते हैं जिन तरीकों से जो ड्रग होता है वो सबस्ट्रेट को इनहिबिट करता है एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स पर बाइंड होने से। तो पहला तरीका है कि ड्रग नेचुरल सबस्ट्रेट जो होता है उसके साथ कंपीट करता है और एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स पर सबस्ट्रेट से पहले खुद ही बाइंड हो जाता है और इस तरह से वह एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स को ब्लॉक कर देता है। जैसा कि आप देख भी सकते हो, डायग्राम में आपको एक एंजाइम, सबस्ट्रेट और कुछ ड्रग के मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं। अब ये ड्रग के मॉलिक्यूल्स और सबस्ट्रेट एक्टिव साइट्स पर एक दूसरे को कंपीट करते हैं, इसीलिए इनको कंपिटिटिव इनहिबिटर्स भी बोलते हैं। अब होता क्या है, पहले जो ड्रग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्टिव साइट्स पर जाके बाइंड हो जाते हैं और इस तरह से एक्टिव साइट्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पर बाइंड नहीं हो पाता है और रिएक्शन नहीं हो पाती है और इस तरह से यह ड्रग एंजाइम्स की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। अब देखते हैं दूसरा तरीका जिससे ड्रग्स सबस्ट्रेट के अटैचमेंट को इनहिबिट करते हैं। ड्रग्स एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स के अलावा किसी दूसरी साइट पर बाइंड हो जाते हैं, जिससे कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट्स होती हैं उनकी शेप चेंज हो जाती है और जो सबस्ट्रेट होता है
वह इस एक्टिव साइट को पहचान ही नहीं पाता है और इस तरह से फिर सबस्ट्रेट एक्टिव साइट्स पर बाइंड भी नहीं हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर डायग्राम में आपको एक एंजाइम और एक ड्रग इनहिबिटर दिखाया गया है। एंजाइम की एक्टिव साइट को आप देख सकते हो और एक्टिव साइट के अलावा एंजाइम की जो दूसरी साइट होती है उसको हम एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं। अब हमारा जो इनहिबिटर है, मतलब जो हमारा ड्रग का मॉलिक्यूल है, वह इसी एलोस्टेरिक साइट पर जाकर बाइंड हो जाता है और उसकी वजह से जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है वह अपनी शेप चेंज कर लेती है और हमारा जो सबस्ट्रेट है वह इस चेंज हुई शेप को पहचान नहीं पाता है और एक्टिव साइट के साथ बाइंड नहीं हो पाता है। तो इस तरह से ड्रग इनहिबिटर एलोस्टेरिक साइट को ऑक्यूपाई करके एक्टिव साइट्स की शेप को चेंज कर देता है। तो इस तरह से इस दूसरे तरीके से भी ड्रग्स एंजाइम्स की एक्टिविटीज को इनहिबिट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं ड्रग और रिसेप्टर प्रोटीन के बीच की इंटरेक्शन के बारे में। रिसेप्टर प्रोटीन्स हमारी सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर एम्बेडेड होती हैं और इनका वह पार्ट जो कि एक्टिव साइट्स कहलाता है वह सेल मेम्ब्रेन्स के बाहर की सरफेस की ओर प्रोजेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एनिमल सेल को देखें और इस सेल के अंदर अगर हम केवल सेल मेम्ब्रेन पर फोकस करें तो हम ये साफ देख सकते हैं कि जो रिसेप्टर प्रोटीन है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ एम्बेडेड होती हैं और इनकी जो बाइंडिंग साइट्स होती हैं या फिर एक्टिव साइट्स होती हैं वह इस सेल मेम्ब्रेन्स के बाहर के सरफेस की ओर प्रोजेक्ट करती हैं।